तो हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है टीपी और आपका स्वागत है टीपी साइंस चैनल में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा और क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है। इसका आते ही पचौनी सब निकाल देंगे ट्रांसफार्मर के पूरा दोस्तों हाथी ही पछोड़ी इसको सबको निकालने के लिए हमको यहाँ पे बोर्ड का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम एक कॉलेज एक क्लासरूम पे आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमको पूरे समझाने के लिए इस ब्लैक बोर्ड में। तो दोस्तों इस वीडियो को बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना अवश्य, ठीक है। खड़िया में हम लोग खाना बनता है, खड़िया में हम लोग खाना बनता है, लेकिन हम लोग खाते कितना एक प्लेट या पूरी एक थाली, ठीक है, एक थाली खाते हैं। खड़िया में तो बनता जाता है, इसलिए यहाँ बिल्कुल वही तरह काम करता है, बना रहा है लड़कों में लड़की को ज्यादा बना रहा है, पूरा यहाँ से नहीं जा रहा है, यहाँ से जा रहा है पूरा बना रहा है, ससुर ले 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 रे बाबू ले ले इस तरह कर रहा है, ले खाना खा ले खा। लेकिन यहाँ पे दस टाइम है, बोलेगा कैसे, बोलेगा थक गया तो छोटे कैसे खाएंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर के टाइप्स में, मेनली केवल वाइंडिंग के आधार पर आपको बता देने वाला हूँ ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के अगर वो कैसे कैसे काम करते हैं, तो दोस्तों वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर मेनली तीन टाइप्स के होते हैं, उसके बाद और भी होते हैं लेकिन उनका ज्यादातर यूज नहीं किया जाता, उसको अलग कैटेगरी में रखा जाता है, फिर भी उसको वाइंडिंग के आधार पर कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आधार पे तीन मतलब तीन कैटेगरी होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन और एक आइसो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो उसके टाइप्स को पहले जानने के लिए उससे पहले हमको जानना पड़ेगा उसको वर्क, उसके बाद हम टाइप्स को बताएंगे। तो टाइप्स से पहले वर्क जानते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, वो काम असल में करता कैसे है और कैसे वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप देखे होंगे स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर में क्या करता है, वो वोल्टेज को मेंटेन करता है। अगर आपका घर का सप्लाई कम वोल्टेज आ रहा है तो वो क्या करता है, हाई वोल्टेज में कर देता है। जैसे कि आपका वोल्टेज अगर 110 आ रहा है और घर को जो घर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको रिक्वायर्ड होते हैं 220 वोल्ट, लेकिन वो जो हमारा स्टेबलाइजर होता है वो अगर हम एंड देते हैं जब अगर पूरा एकदम कनाव पकड़ के एंड देते हैं तो उसका देखिए उसका वोल्टेज पूरा बढ़ जाता है और वोल्टेज बढ़ जाने के बाद अच्छे से एकदम बढ़िया से चलता है, तो ठीक है। उसके बाद और देखे होंगे हमारा जब कंडीशन इस तरह होता है कि हाई वोल्टेज आ रहा है, हमारा 220 वोल्ट का जरूरत पड़ता है, और जब कभी कभी हम जो बोलते हैं गरम गरम दे देते हैं, वो गरम गरम दे देते हैं यानी कि मतलब उसमें गरम गरम कितना 440 वोल्ट निकलता है। जब गरम गरम एकदम जैसे हदकने का जो आ जाता है तो उस टाइम क्या करता है स्टेबलाइजर, वो कम कर देते हैं, उसका कनाव पकड़ के घंटे तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो बस सबको ऐसा ही करना है और वो कैसे काम करता है तो यहाँ पे आज जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो देखिए ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, पहले ट्रांसफार्मर का मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये रहा ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर और ये असल में जो मैं एक बनाया हूँ वो असल में एक इस तरह लाइनिंग नहीं है, इसकी मोटाई भी होती है और इसकी मोटाई बहुत होती है, मतलब बहुत नहीं, ट्रांसफार्मर के आधार पर कितना मतलब वो कितना वाट कितना वोल्टेज कितना देता है उसके आधार पर इस तरह का मतलब थोड़ी मोटाई होती है। और इसका जो ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ क्या ऐसा तो नहीं रहता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में रहता है, इस टाइप में रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक यहाँ पे पत्ती अलग से रहता है, ठीक है, और यहाँ पे असल में कुछ जोड़ दिया जाता है ये बन जाता है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसे वाइंडिंग किस तरह किया जाता है वो देखते हैं। किसी किसी ट्रांसफार्मर में यहाँ वाइंडिंग किया जाता है इस दोनों जगह, और किसी किसी ट्रांसफार्मर में ये जो दो वाइंडिंग किया जाता है यहाँ पे वो यहाँ पे भी कर दिया जाता है। और मैं बताऊंगा ऐसा क्यों किया जाता है, वो दोनों यहीं पे कर दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है किस लिए किया जाता है। तो मैं पहले समझाने के लिए मैं इस टाइप का ट्रांसफार्मर लूंगा, ठीक है, तो इसको पहले मैं मिटा लूं। दोस्तों ये रहा ट्रांसफार्मर, ये रहा जो मैंने इस तरह जलेबी टाइप का आकार दिया वो सब में क्वाइल है। जैसे कि क्वाइल जो यहाँ पे देख रहे हैं क्वाइल क्या होता है, मतलब क्वाइल जैसे कि आप हीटर का क्वाइल देखो, क्वाइल मतलब क्या है, उसको लपेट दिया जाता है, तार को एक एक लपेट दिया जाता है, मतलब उसको लंबा करिए तो बहुत लंबा हो जाएगा और अगर उसको क्वाइलिंग के रूप में किया जाए तो उसको बहुत छोटा हो जाता है। तो दोस्तों आपको मतलब
आपकी जानकारी होगी कि उसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए, यानी कि वोल्टेज और एम्पियर दोनों पास किया जाए इसमें, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया बनता है, ठीक है, और ये इतना कम होता है कि इसमें दिखाई नहीं देता, मतलब उसको ना के बराबर यूज किया था। लेकिन अगर इसको इसको जो इस तरह वायर है इसको हम वाइनिंग करते हैं, इस तरह इतना बड़ा ये जगह लिया वायर, लेकिन इसको वायर करके तो मात्र इतना ही लेगा, इसीलिए यहाँ पे वाइनिंग के रूप में ले दिया था। और इसका जो मैग्नेटिक वेव बनता है, इसका जो मैग्नेटिक एरिया बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक एरिया इस तरह बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मर और मैं मतलब कुछ समझते हैं, यहाँ पे कुछ वोल्टेज को यहाँ पे बुझा रहे, कुछ एम्पियर को साथ में दोनों। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें जाएगा। अब इसमें जाने के बाद क्या करेगा ये इसको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे जाएगा, मतलब जान लीजिए कि दो हमारा जैसे कि अगर घर में जो ट्रांसफार्मर होता है इतना बड़ा सा एकदम फड़ंगा ऐसा लगा रहा था तो फुटमेंट के पास, वो यहाँ से आता है 12000 वाट आता है और यहाँ कितना निकलता है, 220 वाट निकलता है, ये देखिए। तो यहाँ पे थोड़ी डायरेक्ट करके थोड़ी कनेक्ट रहता है इस तरह करके, इसको यहाँ पे पीछे से कोई इसका कनेक्शन नहीं रहता है, ये बिल्कुल इसी तरह रहता है। यहाँ पे कार के भी का वोल्टेज, यानी कार के भी मतलब 12000 वोल्टेज और निकलता है कितना, मात्र 220 वोल्टेज। तो ओसा क्यों किया जाता है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, तो इसके पहले मतलब जान लेते इसको वर्क के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉइल इस तरह, यहाँ पे भी कॉइल है, इसका देखिए मतलब यहाँ से मैं करंट और वोल्टेज को दोनों बुझा रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना इसमें गया। अब जैसे कि अगर दो अगर यहाँ पे इस तरह हम लोग मतलब पढ़े थे कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर यहाँ पे जा रहा है इस तरह पे इसका एरिया पे, ठीक है, थोड़ा सा क्लीन से दिखाऊंगा, ये देखिए मतलब यहाँ से मैं ड्रॉइंग किया इसको, ये देखिए मतलब यहाँ पे मैं वोल्टेज को पास किया, इस कॉइल में पास किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा इसमें कुछ इस टाइप में, ठीक है, और इसका एरिया इस कॉइल पे जा रहा है, इस कॉइल पे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी वोल्टेज का प्रोड्यूस होगा, मतलब यहाँ पे जितना वोल्टेज भी है वो उतना वोल्टेज यहाँ पे जाएगा, इतना जितना यहाँ पे वोल्टेज है मतलब 5 वोल्टेज अगर यहाँ पे दिए तो यहाँ पे 5 वोल्टेज ही निकाल, ठीक है। तो ये वो काम, तो यहाँ पे मतलब इसमें लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव का एरिया बनाना वो इधर भी आता है, ठीक है, इधर, तो जिसके कारण से यहाँ पे पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकाल रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन जो निकाल रहा है वो प्रॉपर मतलब इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो ये जितना लेगा उतना ही तो देगा, तो ये इतना ही ले रहा है, तो यहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे हो सकता है 4 वोल्टेज या 3 वोल्टेज आएगा, क्योंकि ये इधर भी जा रहा है इसको इसको नहीं देगा तो कैसे होगा, तो पूरा लेगा तभी ये पूरा 5 वोल्टेज निकालेगा, पूरा नहीं ले रहा तो यहाँ पे 4 वोल्टेज निकालेगा, यानी कम निकालेगा, इसलिए ड्रॉप करता है, इसलिए इस तरह का कोर का इस्तेमाल किया जाता है, आयरन कोर का, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं आयरन कोर किस तरह था, इसको किस तरह मतलब अच्छे से कोर स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये देखिए कोर स्क्रीन में दिख रहा, तो देखिए यहाँ पे अब मैं फंक्शन बताता हूँ, देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया यहाँ से भी, यहाँ पे पहले मैंने इसको हटा दिया जो 11 की 200 की, यहाँ पे मैंने वही 5 वोल्टेज रखा, यहाँ पे भी 5 वोल्टेज आया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया और दिया 5 वोल्ट, बिल्कुल इसी तरह काम करता है हर ट्रांसफार्मर में सब में, किसी किसी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यहां ना रखे क्वाइल यहीं पे रहता है और यहाँ पे दोनों रहता है, एक इंसुलेटर रहता है, पेपर इंसुलेटर रहता है मतलब दूसरे टाइप का, वो इसके बीच लगाया जाता है, उसके बाद और एक वाइंडिंग किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बिल्कुल ऐसा ही वाइंडिंग यहाँ पे कर दिया जाता है और यहीं से मतलब किया जाता है, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना और यहाँ पे एंटर किया, मतलब यहाँ से बना, ये देखिए यहाँ गया और फिर यहीं जाकर एंटर किया, और ये भी इसी तरह मतलब इधर भी वही प्रोसेस होता है, इधर गया नीचे आया इधर गया और फिर यहाँ से एंटर किया, मतलब दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब यहीं पे गया घुस गया, और इसके बाद जो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी किसको बोलते हैं, प्राइमरी मतलब जो इलेक्ट्रिस
यहाँ पे मैंने दे रहा हूँ जिसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, और जो यहाँ से निकल रहा है उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक ही साथ रहते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही काम करते हैं, प्राइमरी में देंगे तो सेकेंडरी में आएगा, लेकिन इसके बीच में कोई मतलब कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं आता। जैसे कि आप जैसे एक वायर दूसरा वायर इसका कनेक्शन करेंगे तो यहाँ से जोड़ देंगे, लेकिन वैसा वहाँ पे कनेक्शन नहीं रहता, यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन रहता है, यानी कि यहाँ बीच हाथ मतलब हाथ दूसरे हाथ मतलब यहाँ पे कोई गैप रहता है, ऐसा कुछ अच्छी नहीं रहता, अगर इस तरह का कनेक्शन अगर कुछ नहीं रहता है तो ये सिर्फ गैप रहता है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किस रूप में किया जाता है वो जानेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा ट्रांसफार्मर, ये रहा ट्रांसफार्मर। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे अगर दोनों अगर कॉइल दिया जाए ना तो इसका कोई काम नहीं होता, अगर इसको नहीं भी दिया जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, केवल यही चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर बीच में रहता है जैसे कि यहाँ पे अगर कॉइल रहेगा तो इसको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर तीन टाइप का मैंने पहले बताया, जैसे कि एक होता है टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, और आइसो ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर या आइसो ट्रांसफार्मर बात की, तो देखिए यहाँ पे पहले हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर में यहाँ पे वोल्टेज को कैसे बढ़ाया पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप इन्वर्टर लीजिए, इन्वर्टर में करना आपको बैटरी से मिलता है प्लस माइनस 12 वोल्ट या 24 वोल्ट। ठीक है, मतलब 12 वोल्ट 24 वोल्ट मिलता है, मतलब बैटरी से 12 वोल्ट या 24 वोल्ट इस तरह के मिलता है। और हमें इन्वर्टर में मतलब इन्वर्टर का बैटरी इतना ही रहता है, लेकिन हमें जो जो इतना बल्ब वगैरह जो चलाते हैं उतना रहता है 220 वोल्ट। तो दोस्तों कहाँ 12 कहाँ 24 और कहाँ 220, तो इसको जो पहुँचाने के लिए इसका वोल्टेज जो पहुँचाने के लिए 220 पहुँचाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया था और यहाँ से ये 12 वोल्ट लेता है और 220 वोल्ट देता है। इसको जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है जो इन्वर्टर में इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब स्टेप को अप कर देना, मतलब ये जो ये समझिए कि 12 वोल्ट ये स्टेप दे रहा है और इसको अप कर दे रहा है कितना 220 वोल्ट, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप। और इसको कैसे बढ़ाता कैसे घटाता है मतलब उसके बारे में जानेंगे। इसे देखिए यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट, अभी हमको यहाँ पे निकालना है 220 वोल्ट, तो क्या करेंगे इसमें क्या कर दिया जाता है, इसको वायर को बढ़ा दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम तीन टर्मिनल है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका मतलब ज़्यादा टर्मिनल लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए मतलब मैं कोई कैलकुलेशन अगर नहीं करता हूँ सीधे मतलब डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 50 टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे तीन टर्मिनल 50 टर्म, ये तीन टर्म के अकॉर्डिंग अगर दे रहा है वोल्टेज, तीन टर्म के अकॉर्डिंग वोल्टेज दे रहा है, और यहाँ पे ये जहाँ ये जा रहा है, ठीक है, और मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है और यहाँ पे और इस, लेकिन हाँ जो कम वोल्टेज रहता है ना उसमें एम्पियर ज़्यादा जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका जो मोटाई रहता है वो ज़्यादा कर देता है मोटाई, इसका मोटाई ज़्यादा रहेगा, इसका मोटाई कम रहेगा, क्योंकि इसका एम्पियर ही ज़्यादा रहेगा तभी, क्योंकि भी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज को बढ़ाना है तो यहाँ पे एम्पियर ज़्यादा रहेगा तभी वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज कम है, वोल्टेज 12 वोल्ट है, लेकिन इसका एम्पियर ज़्यादा चाहिए। आप देखते हैं बहुत बड़ा बैटरी का यूज किया जाता है इन्वर्टर में, क्यों, क्योंकि उसका एम्पियर ज़्यादा रहता है। देखते होंगे 120 एच करके रहता है यहाँ पे, या फिर रहता है 220 एच, या फिर हो सकता है 240 एच, इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन वाला बैटरी आप कहाँ यूज करते हैं, पाइथन वाला बैटरी कितना रहता है 7 एच, इसका यूज कहाँ करते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत कम एम्पियर प्रोड्यूस करेगा, टूटते जलेगा सारा देर खत्म कैसे हो, इसलिए बड़का बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। बड़का देखिए यहाँ बड़का बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा एम्पियर इसको मिलता है, ये ज़्यादा एम्पियर डाउन है, 12 वोल्ट है कम वोल्टेज है, कहा कम वोल्टेज कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा एम्पियर पास करेगा, ज़्यादा एम्पियर पास करा है यहाँ पे 12 एम्पियर मतलब 12 वोल्टेज है और 10 एम्पियर पास कर रहा है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा। हम अभी बता रहे दोस्तों कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, मतलब कैलकुलेशन हमको बता दें बाद में, लेकिन हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्टेज है, अब यहाँ पे हमको ये निकाला है 220, लेकिन यहाँ पे जो एम्पियर है कितना है, यहाँ पे 10 एम्पियर पास आउट हो रहा है,
लेकिन यहाँ 10 एम्पीयर पास आउट नहीं होगा, यहाँ पे मात्र हो सकता है 5 एम्पीयर पास आउट या फिर हो सकता है 2 एम्पीयर पास आउट। ठीक है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज और जो है ना इसके बीच रिलेशन होता है, वो कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार कुछ काम करते हैं, यहाँ पे हम दिए, हम यहाँ पे दिए आपको 3 टर्म 50 टर्म, यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई दिए 220 आया, 10 एम्पीयर का सप्लाई दिए 2 एम्पीयर का सप्लाई, मतलब यहाँ पे एनर्जी ना कहीं से एनर्जी कुछ हो ले रहा है, मतलब एनर्जी यहाँ बढ़ रहा है। आप लोग सोच रहे हैं हम इन्वर्टर 12 वोल्ट देते हैं 220 वोल्ट आता है, कैसे यहाँ पे एनर्जी थोड़ी अपने आप प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट करता है 10 एम्पीयर के यहाँ पे 2 एम्पीयर के और एम्पीयर से मेरिया कुछ एम्पीयर यहाँ पे 220 वोल्टेज को बना रहा है और यहाँ पे एम्पीयर का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा आता है, 12 वोल्टेज यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे एम्पीयर का खा जाता है, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा, समझे? तो इस तरह से यहाँ पे वोल्टेज को सर बढ़ाया था, अब वोल्टेज घटाया किस तरह था वो देखते हैं। वोल्टेज को घटाया कैसे जाता है वो आप समझिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप स्टेबलाइजर का एग्जांपल, स्टेबलाइजर मान लीजिए आपका घर में 440 वोल्टेज का आ रहा है, सब हटक जाएगा, तो हटकाना थोड़ी ना है, हम लोग का जलाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और उसको ले आते हैं सीधे 220 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे 440 वोल्टेज आता है, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं 220 वोल्ट आता है, कैसे वो समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टर्म इसका उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 50 टर्म, इसको ले लीजिए 10 टर्म, तो यहाँ पे 50 टर्म में ले लिया, 440 वोल्ट का झटका दिया, बहुत सारा उपाय है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए मात्र में 10, यहाँ पे देखिए ये 10 टर्म 10 टर्म 10 टर्म, अब यहाँ पे आएगा थोड़ा 220 वोल्ट। अब कैसे हो सकते, देखिए खड़िया में तो हम लोग का खाना बनता है, खड़िया में तो हम लोग खाना बनता है, लेकिन हम लोग खाते कितना है, एक प्लेट या बोलिए एक थाली, ठीक है एक थाली खाते हैं, खड़िया तो बनता जाता है, इसी में यहाँ पे बिल्कुल वही तरह काम करता है, बना रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज्यादा बना रहा है पूरा, मतलब यहाँ से नहीं जा रहा है, यहाँ से जा रहा है पूरा बना रहा है, ससुराल ले 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 रे बाबू ले ले इस तरह कर रहा है, ले खाना खा ले खा, लेकिन यहाँ पे 10 टर्म है, बोलेगा कैसे, बोलेगा खड़िया तो छोटे कैसे खाएंगे, यानी कि यहाँ पे 10 टर्म का पहले तो कैसे लेगा ज्यादा बढ़े तो कैसे खाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 10 टर्म ही लिया है, मात्र 10 टर्न है, बोल रहे ले ले, लेकिन बोलेगा हमारे पास छोटे थाली कैसे खाएंगे, तो जाते कैपेसिटी होते ले जा रहा हूँ, इसका पास 220 कैपेसिटी है, इसलिए 220 का ही उतना ही जितना अंदर 220 वोल्टेज का ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेगा, और ये 220 वोल्टेज ही निकालेगा, इससे सुना दे रहा 440 लेकिन मिलेगा था 220 ही, वही होता है मतलब स्टेप बोलते डाउन, यहाँ पे ज़्यादा लेकिन ये कम, तो स्टेप को कर दिया डाउन, और इसका यूज होता है स्टेबलाइजर वगैरह में। ठीक है, लेकिन स्टेबलाइजर वगैरह इसमें यूज नहीं किया, जैसे कि इसको यूज किया जाता है मॉडिक चार्जर में, स्टेबलाइजर का यूज मतलब दूसरा ट्रांसफार्मर है वो बताएंगे, इसको यूज किया जाता है चार्जर में और भी सारा चीज, जैसे कि आपको जरूरत पड़ता है कार को चार्ज, कार बैटरी चार्ज करने में होता है बैटरी चार्ज करने में 220 वोल्ट घर में आ रहा है, उसको बनाना है 12 वोल्टेज उसको चार्ज करना है, तो इसका इस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो और एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, वो क्या काम करता है वो बता, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर समझाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको पता है सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे, ठीक है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बाद बताते हैं, तो सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो चलिए ऑटो ट्रांसफार्मर को बताते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे दे रहे हैं हम यहाँ पे 220 वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे निकल रहा है 220 वोल्टेज, अब सब देखिए 220 वोल्टेज दे रहे हैं और 220 वोल्टेज निकाल रहे हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होगा, लेकिन इस तरह इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कहीं जो है ना वोल्टेज मतलब कम ज्यादा फ्लैक्चुएट आता है, वोल्टेज कम ज्यादा करके आता है, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे, जैसे अगर वोल्टेज यहाँ पे 220 है, 220 से सीधे 210 हो गया, 200 हो गया, 190 हो गया, इस तरह वोल्टेज आता है, तो ये इसका यूज किया जाता है, यानी टूटते टूटते चेंज थोड़ी होता है, तो थोड़ा लेट से चेंज होता है, मतलब इसमें मतलब उतना भी टाइम नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसको ठीक कर देता है, जैसे कि मॉइल लिया करता है ना, इस लिया जाता है, और यहाँ पे मतलब कॉन्स्टेंट टाइम देता है 220 वोल्ट 220, मतलब इसका एक फिक्स रेशियो मतलब एवरेज, इसको बोलते हैं एवरेज में ये वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा,
और मतलब इसको ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये था आइसो ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल यहाँ पे कल कर दिया जाता है सिंपल टर्म नहीं, ठीक है, और यहाँ पे दो ही को वायर निकाल दिया, दो वायर, लेकिन ऑटो में क्या कर दिया जाता है, इसको यहाँ से और दो निकाल दिया जाता है, ठीक है, और इसमें भी और दो निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे दे दिया जाए सप्लाई कितना 220 वोल्ट। अब आपको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 20 तक, और यहाँ पे लिख दिया 0 से 40 तक, मतलब यहाँ पे सॉरी 0 से 40 तक नहीं, यहाँ पे होगा लगभग 10 to 20 तक, ठीक है, 10 to 20 तक लिखा, यहाँ पे 0 to 40 तक लिख दिया। अगर आपको 220 वोल्ट या और यहाँ पे 220 वोल्ट, अगर आपको सेम वोल्टेज चाहिए तो दोनों में 10-10 टर्न कर दीजिए, आपको सेम वोल्टेज मिलेगा। अगर आप इसमें 10 टर्न और इसमें 0 टर्न कर दिए, सॉरी 0 तो नहीं होगा, तो 1 टर्न कर दीजिए, 10 टर्न और 1 टर्न कर दीजिए, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, बड़ा से कम हो रहा है स्टेप डाउन, यहाँ पे आप वोल्टेज डाउन कर दे, 220 को हो सकता है 120 कर दे, ठीक है, 220 को 120 कर दे, ठीक है। अगर इसको ज़्यादा चाहिए आपको वोल्टेज को बढ़ाना है, तो यहाँ पे लीजिए 10 टर्न और इसको कर दीजिए 40 टर्न, यानी कि यहाँ पे कम से ज़्यादा हो, कम से ज़्यादा हो, तो क्या होगा वोल्टेज बढ़ जाएगा स्टेप अप, तो इसको बोलते हैं ऑटो, यानी कि दोनों का काम करेगा, डाउन और अप दोनों का काम करेगा, इसको बोलते इसको ऑटो ट्रांसफर करेगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और इसी तरह के रिलेटेड और एजुकेटिव जो वीडियो चाहिए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।